नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। गोरखपुर से पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए या आतंकियों के समर्थन। गोरखपुर को डबल गिफ्ट, एम्स और खाद कारखाना की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, अरसे से था इंतजार। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी ने 2016 में एम्स का शिलान्यास किया, आज उद्घाटन भी कर रहे। ईडी ने दर्ज किया उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार सीताराम कुंटे का बयान, अनिल देशमुख मामले से जुड़े हैं सवाल। संसद से गायब रहने वाले सांसदों को पीएम मोदी की फटकार, कहा बच्चों की तरह बार बार कहना ठीक नहीं। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल आज भी रहेगी जारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में नहीं निकला हल। देश की 85% आबादी को लगी वैक्सीन की पहली डोज, मांडविया बोले कोरोना के खिलाफ मजबूती से बढ़ रहा भारत। बांग्लादेश में मंत्री ने की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, पीएम शेख हसीना ने कहा इस्तीफा दे। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1100, निफ्टी 330 अंकों की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली ने खिलाड़ियों की जमकर करी तारीफ, रहाणे का किया समर्थन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।